हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 6 है द थ्री ऑर्डर्स, उसका टॉपिक देखेंगे द फर्स्ट ऑर्डर कलर्जी, यानी कि जो पहला ऑर्डर है कलर्जी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कलर्जी मेनली जो पंडितों वाला वो होता है ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, उसे कह सकते हो तुम। जितने भी पूजा पाठ से रिलेटेड लोग हैं वो कलर्जी सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्रिश्चियन धर्म है वो आज के टाइम पे दो सेक्ट्स में बटा हुआ है, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो पुराने रीति रिवाज मानते थे, प्रोटेस्टेंट उन्होंने प्रोटेस्ट करके एक मतलब नया रिफॉर्म लाने की कोशिश की धर्म में, और फिर उनका सेक्ट अलग बन गया प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इनके आपस में लड़ाई होती रहती है एक धर्म के अंदर, ये क्रिश्चियन धर्म के सेक्ट है दो। तो इसमें जो प्रोटेस्टेंट था वो तो रिसेंट का ही है, लेकिन जो कैथोलिक था वो बहुत शुरुआत का। तो कैथोलिक चर्च के बारे में बताया गया है, उस टाइम पीरियड पर कैथोलिक चर्च एग्जिस्ट करता था केरला। तो जो कैथोलिक चर्च था इसके खुद के लॉज होते थे, उन लॉज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, भाई जो कलर्जी है उनकी क्या क्या पावर्स थी और क्या क्या चीजें थी, वुमेन को अलाउड नहीं था, वो सब जितनी भी बुरी चीजें थी वो भी जानेंगे कलर्जी के बारे में। और फिर इन चीजों में जो रिफॉर्म लाया गया कि भाई वुमेन को भी अलाउड किया जाए और बहुत सारी चीजें अलग अलग की जाए, उन रिफॉर्म से बन जाते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो ये कहानी है। तो कैथोलिक में जान लो क्या क्या था। तो इनके खुद के लॉज थे और ये टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे, लेवी टैक्सेस। लेवी का मतलब होता है कलेक्ट, यानी कि टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, नॉर्मल जो लोग होते पीजेंट्स वगैरह इनसे टैक्स ले लेते थे और अपना गुजारा करते थे, और तो ये कुछ करते नहीं थे ज्ञान देने के अलावा। और इनके पास लैंड, इनके पास जमीन होती थी जो कि इन्हें मिलती थी कहाँ से, रूलर से। अब कोई भी रूलर है वो खुद क्रिश्चियन है, तब जो धर्म के वो हैं प्रीस्ट वगैरह जो कि ज्ञान देंगे कि धर्म में ये सब करना रहता है, तो उनको फॉलो करेगा। तब उनको फॉलो करेगा तो कुछ ना कुछ तो देगा बदले में, तो उन्हें जमीन दे देता था और फिर उन जमीन को कैथोलिक चर्च वाले ओन कर लेते थे। और जमीन भी ऐसे नहीं कि एक दो एकड़ दी हो, हजारों एकड़ जमीन देता था कि आपकी इतनी एकड़ जमीन, जैसे कि लॉर्ड्स के साथ होता है ना, लॉर्ड्स को हजारों एकड़ जमीन दे देता था, वैसे ही कैथोलिक चर्च वालों को भी हजारों एकड़ जमीन दे देता था। ठीक है, फिर इसमें बताया गया जो कैथोलिक चर्च था ये वेस्टर्न साइड में दो पार्ट में बटा हुआ था उस टाइम हमारा वर्ल्ड, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न में यूरोप वगैरह आता था, ईस्टर्न में एशिया वगैरह आता था, अमेरिका की उस वक्त डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड पे जो चर्च था उन सबका हेड था पोप, जो कि रोम के चर्च में रहता था, रोमन चर्च में। ठीक है, तो फिर उसके बाद बताया गया है कि जितने भी वो हैं क्रिश्चियन यूरोप में जो भी कलर्जी के हैं उन सबको गाइड करता था पोप, और फिर वो सब कलर्जी वाले लोग वो सब गाइड करते थे यूरोप में रहने वाले सारे क्रिश्चियंस को, यानी कि यूरोप में जितने भी क्रिश्चियंस रहते हैं उनको ये सब बताना कि तुम्हें आज क्या करना है, तुम्हें रहना सहना कैसे है, धर्म क्या है, तुम्हें संडे को क्या करना है, तुम्हें मंडे को क्या करना है, ये सब चीजें यूरोप के क्रिश्चियंस को कलर्जी वाले बताते थे। और कलर्जी में कौन कौन आते थे उस टाइम पीरियड में, बाइसोप्स एंड क्लेरिक्स और भी आते थे, लेकिन ये मेन जो फादर वगैरह होते थे उनके उनको कहते थे बाइसोप और क्लेरिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया जितने भी विलेजेस थे उनके पास मोस्टली एक चर्च होता था, हर विलेज के अंदर एक चर्च मिलता ही मिलता था ताकि लोग पूजा कर सके, और इस चर्च के अंदर सारे लोग संडे को इकट्ठा होते थे, गैदर्ड ऑन संडे। क्यों गैदर होते थे, ताकि भाई जो उनका प्रीस्ट है ये बाइसोप और क्लेरिक्स वगैरह ये उन्हें सरमन दे, सरमन होता है उपदेश, कोई ज्ञान की बात बताए कि हमें ऐसे रहना वगैरह वगैरह, और वो प्रे कर सके भगवान को टुगेदर, यानी कि सारे लोग इकट्ठा हो गए एक साथ भगवान की पूजा कर सके। ठीक है, तो संडे को इसलिए गैदर होते थे, इसलिए संडे को हॉलीडे मनाया जाता है आज तक, यानी कि क्रिश्चियंस का इन्फ्लुएंस इतना है, यूरोप वालों ने अमेरिका पे राज करा, फिर अमेरिका पूरे यूरोप वालों का ही बन गया, मतलब उन्होंने उधर पहुंच के 90% जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन थी उन्हें मार दिया, तो मोस्टली यूरोपियंस ही बसे हुए अमेरिका वगैरह में। सेम इज द केस विद साउथ अमेरिका, तो वर्ल्ड में इतना इन्फ्लुएंस हो गया उनका कि भाई संडे का हम इंडियंस हैं, हमारा क्या काम है संडे को, हम ना चर्च में जाते, मोस्टली बता रहा हूँ, कुछ जो क्रिश्चियंस उनकी बात अलग है, लेकिन जो 90% लोग हैं वो चर्च में भी नहीं जाते, ना कोई और काम करते संडे को, भाई उन्हें छुट्टी मिले, हर धर्म का एक अलग डे होता है, लेकिन भाई क्योंकि भाई क्रिश्चियंस का इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज करके गए, इसलिए हमें आज तक संडे पे छुट्टी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि जो प्रीस्ट होते थे ये जो बाइसोप और क्लेरिक्स है, इनके बनने के भी कुछ रूल्स होते थे, ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा उठ के बन सकता है प्रीस्ट,
अब कौन कौन बंदे नहीं बन सकते, बन तो कोई भी सकता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं कि भाई ये बंदे नहीं बन सकते, तो वो कौन कौन से बंदे थे? एक तो भाई वुमेन प्रीस्ट वगैरह नहीं बन सकती, कोई भी वुमेन प्रीस्ट नहीं बन सकती। फिर एक क्या था, सर्फ्स नहीं बन सकते। सर्फ्स वो लोग होते हैं जो कि पीजेंट्री वगैरह सेक्शन में आते हैं, पीजेंट्री या फिर वर्कर वगैरह हो गए, यानी कि लोअर स्टेटा के जो लोग हो गए जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था लॉर्ड्स के द्वारा उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो सर्फ्स भी नहीं बन सकते। और फिर एक कौन नहीं बन सकते, फिजिकली चैलेंज्ड, यानी कि किसी बंदे का हाथ पैर टूटा हुआ है तो वो भी नहीं बन सकता प्रीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है, अब जो भी बनेगा ना बंदा प्रीस्ट, वो सेलिबेसी फॉलो करेगा। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य, ठीक है। जो भी बंदा बनेगा ना प्रीस्ट, वो सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य को फॉलो करेगा, कभी भी शादी नहीं करेगा, मैरिज कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे रूल्स चाहिए रहते थे प्रीस्ट बनने के लिए। फिर उसके बाद बताया गया, जो बाइसेप होते थे ये प्रीस्ट वगैरह, इन्हें रिलीजियस नोबिलिटी बोला गया है, रिलीजियस नोबिलिटी लाइक लॉर्ड्स, यानी कि लॉर्ड्स जो थे, लॉर्ड्स हमने बताया था उनके पास बहुत बड़ी जमीन रहती थी और बहुत सारे लोगों पर राज करते थे वगैरह वगैरह, तो रिलीजियस नोबिलिटी यानी कि रिलीजियस सेंस में लॉर्ड्स बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि भाई इनके पास भी हजारों एकड़ जमीन रहती थी और ये भी बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस में रहते थे, और ये भी मतलब वो जो पीजेंट्स होते थे उनसे अपनी जमीन पे काम करवाते थे फ्री में वगैरह वगैरह, तो इनके पास भी बहुत सारे नोबिलिटी वाले फीचर्स थे, यानी कि जिससे बड़े लोग कहलाते थे, इसलिए इन्हें रिलीजियस नोबिलिटी कहा गया है, ठीक है। तो इस एक सेंस में गलत भी कि भाई अगर तुम्हारा काम सिर्फ पूजा पाठ करना है, बस लोगों को ज्ञान देना है, तो तुम्हारा हजार एकड़ रखने का क्या काम है? बड़े बड़े महलों मतलब लोगों को ज्ञान दे रहे हो कि भाई पैसा कुछ नहीं है, मोह माया है वगैरह, और खुद बड़े बड़े महलों में रह रही हो, तो उल्टी सी हो गई, ठीक है। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्टेंट्स ने प्रोटेस्ट करके रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके बाद बताया गया है क्लर्जिकल टैक्स, जो बाइसोप से वो भी नोबिलिटी यानी कि लॉर्ड्स टैक्स लेते थे अपने लोगों से और फिर उसे राजा के पास भिजवाते थे, लेकिन जो बाइसेप्स थे और थोड़ा बहुत ये लॉर्ड्स खुद रखते थे, लेकिन जो बाइसेप्स थे वो टैक्स लेते थे और राजा वगैरह को नहीं बचाते थे, खुद 100% अपने पास रखते थे, यानी कि इनके पास ज्यादा टैक्स बचता था, तो उस टैक्स को कहते थे क्लर्जिकल टैक्स। या फिर अगर आपने 9th की फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर उसमें पढ़ा भी हो, उस टैक्स को नाम दिया गया टिथे, उस टैक्स का नाम है, और इसमें लगभग कितना देना पड़ता है, 1/10 ऑफ एग्रो प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी एग्रो इन अ ईयर, यानी कि जितना भी आपने साल में खेती करी है, यानी कि तुमने भाई 100 टन खेती कर ली, और एक साल में तुम किसान, तुमने अपने खेतों से 100 टन की खेती कर ली, तब उसमें से 10 टन सीधे के सीधे किसको चले जाएंगे, क्लर्जी वालों को चले जाएंगे एज अ टैक्स। और अब क्योंकि उनके अंडर में पूरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जितने भी एम्पायर है उसमें लाखों लोग रहते हैं, तो 10 टन कर करके बहुत ही मतलब लाखों टन उनके पास, उसका वो लोगों में दान करते थे, इस टाइप में करते थे, यानी कि आपने कभी देखा हो चर्च का तो पता नहीं, जैसे गुरुद्वारा हो गए और मंदिर वगैरह हो गए, इनमें रोज डेली खाना बनता है, लोगों को फ्री में बांटा जाता है, चर्च में बनता होगा शायद, में कुछ ना पता नहीं, तो इतने सारे जो अनाज आए उनके पास लाखों टनों में, उनसे वो रोज रोज खाना बना के लोगों में दान भी करते होंगे, या फिर भाई उसे बेच देते होंगे और पैसे से जमीन खरीद लेते होंगे, ठीक है। तो ये सब काम था। फिर उसके बाद बताया गया एंडोमेंट्स भी आती थी इनके पास, एंडोमेंट्स को तुम समझ सकते हो दान। अब कोई बंदा अपनी श्रद्धा से आया है मंदिर वगैरह में या फिर चर्च वगैरह में, वो जाके कुछ ना कुछ पैसे दान दे के आता है कि भाई इनका गुजारा हो जाए, उनका गुजारा तो नहीं होता, वो बहुत आराम से रहते हैं। तो एंडोमेंट्स को बताया गया कि ये रिच लोग करते थे, रिच पीपल, और ये किस लिए करते थे, वाय, क्योंकि भाई जो चर्च वाले थे वो उनसे कहते थे कि भाई अगर तुम जितने पैसे दान दोगे, तुम्हारे जो पाप हैं हमारे पापों को हम धो देंगे, तुम जितने पैसे दोगे उतने ज्यादा पाप धोएंगे वगैरह वगैरह, तुम्हारी आफ्टर लाइफ अच्छी हो जाएगी, यानी कि सीधा सीधा पाखंड कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे, ऐसे कहते कि पैसे दे दो तो तुम्हारे जो लोग जो मर गए हैं, डेड लोग हैं, उनकी आत्मा को शांति पहुंचवा देंगे हम, तुम पैसे दे दो, तुमने जितने पाप करे सारे धो देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे पाप तो गिने ही जाएंगे बेशक तुमने पैसे दिए हैं ना दिए हैं, लेकिन वो उस टाइम पीरियड पे लोग मानते थे और लाखों रुपए उन्हें दान में दे देते थे, जिससे ये बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया उस टाइम पीरियड पे जो क्लर्जी वाले लोग होते थे कुछ सेरेमनीज कराते थे, सेरेमनीज, और ये जो सेरेमनीज होती थी
चर्च के द्वारा ये कॉपी की हुई होती थी, कॉपीड होती थी। कहां से कॉपी करते थे ये, मतलब कहां से कॉपी की थी इन्होंने, पहली बार इन्होंने कॉपी की थी फ्यूडलिज्म के जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, कस्टम्स। यानी कि हमने जान लिया, हमने पहले जाना था कि जो फ्यूडलिज्म है वो एक ट्राइबल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ट्राइब्स थी, जर्मन ट्राइब्स, उनके उधर होता था फ्यूडलिज्म। फिर उन्होंने वेस्टर्न रोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट किया, फिर इस कॉन्सेप्ट को पूरे एम्पायर में फैला दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो फ्यूडलिज्म है वो पूरे एम्पायर में फैल गया ऑन अ वास्ट स्केल। तब चर्च वाले थे ये पहले नॉर्मल रहते थे, लेकिन इन्होंने फ्यूडलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा और फिर उससे बहुत सारी चीजें कॉपी कर ली। जैसे कि भाई भगवान के सामने जो चर्च में पूजा करने जाते हैं लोग, ये क्या करते हैं, नील करते हैं, नीलिंग वाइल प्लेइंग, वाइल प्रेइंग। यानी कि तुम मतलब ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ये घुटनों पे बैठ के फिर पूजा करते हैं और फिर हाथ भी जोड़ते हैं, हैंड्स क्लोज्ड, हाथ जोड़ना और फिर हेड बोर्ड और सर झुका के भगवान के सामने पूजा करना, हाथ जोड़ के सर झुका के और घुटनों पे बैठ के। तो ये जो एक्ट था ये सब करने का पूजा करते वक्त, ये कॉपी हुआ था कहां से, ये कॉपी हुआ था फ्यूडलिज्म में, जिसमें जो नाइट था, नाइट वो सोल्जर वगैरह मैंने बताया था, तो नाइट जब वो देता है वो यानी कि कसम वगैरह किसे देता है, लॉर्ड को कसम वगैरह देता है कि भाई मैं आपकी पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा और आप लॉयल रहूंगा आपके टुवार्ड्स वगैरह वगैरह। तो जब वो लॉर्ड को ये सब बोलता है तो वो भी घुटनों पर बैठता है, हाथ जोड़ता है और सर झुका के ये सब बोलता है। तो सेम चीज उन्होंने कॉपी कर दी कि भगवान के सामने भी तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है। तो एक तो ये कॉपी किया था उन्होंने सेरेमनीज में, और एक दूसरा क्या कॉपी करा उन्होंने जो ट्रम है लॉर्ड फॉर गॉड। अब लॉर्ड का लिटरल मीनिंग होता है कि वो बंदा जो तुम्हें रोटी प्रदान करे, ब्रेड दे, ठीक है। तो लॉर्ड जो लॉर्ड्स के लिए यूज किया गया था वो सही था कि भाई लॉर्ड्स तुम्हें जमीन देते हैं जिसकी वजह से तुम्हें रोटी मिलती है, लेकिन जो गॉड है उसके लिए लॉर्ड टर्म यूज करना, ये बाद में क्रिश्चियंस लेके आए, किससे कॉपी करके, फ्यूडलिज्म के कॉन्सेप्ट से कॉपी करके। ये कोई ओरिजिनल वर्ड नहीं था जिसका मतलब वो भगवान, उन्होंने कॉपी किया फ्यूडलिज्म से कि भाई अब तुम लॉर्ड को लॉर्ड कह रहे हो क्योंकि वो रोटी प्रदान करता है, भगवान भी तो तुम्हें रोटी प्रदान करता है, भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है वगैरह वगैरह, ये सब बातें बोली उन्होंने, और फिर उन्होंने लॉर्ड का टर्म यूज किया गॉड के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सेरेमनीज थी वो चर्च कॉपी करता था फ्यूडलिज्म में। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि कैसे जो फर्स्ट ऑर्डर था क्लर्जी, वो क्या क्या था कि भाई उनके खुद के टैक्स बनाते थे, वो खुद के लॉज बनाते थे, खुद टैक्स कलेक्ट करते थे, हर विलेज में चर्च होता था, संडे को छुट्टी मिलती थी, फिर वुमेन नहीं बन सकती थी, पीजेंट नहीं बन सकते थे, फिजिकली चैलेंज प्रीस्ट नहीं बन सकते थे, और उन्हें सेलिबेसी फॉलो करनी थी जो बनता था, ठीक है। 2200 क्लेरिक्स आते थे और भी आते थे, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और जो वेस्टर्न रोमन जो क्लर्जी है उसे ऑर्डर करता था या फिर रूल करता था जो पोप था, वो रोमन चर्च का हेड था, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि ये रिलीजियस नोबिलिटी भी कहा जाते थे क्योंकि इनके पास हजारों एकड़ जमीन होती थी, ग्रैंड पैलेसेस होते थे और ये पीजेंट से भी काम कराते थे, और इनके पास क्लर्जिकल टैक्स लेने का भी अधिकार था जिसे टिथे कहते हैं, और 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एक ईयर में। उसके बाद एंडोमेंट्स यानी कि दान वगैरह देते थे रिच लोग इन्हें, क्योंकि भाई ये कहते थे कि हम पाप धो देंगे तुम्हारे, आफ्टर लाइफ में तुम्हारी सुख शांति समृद्धि मिलेगी, और डेड लोगों में जो तुम्हारी फैमिली के डेड है उनको शांति मिलेगी। तो मतलब पाखंड करते थे एक टाइप का। फिर उसके बाद सेरेमनी फ्यूडलिज्म से कॉपीड थी, नीलिंग की और जो ट्रम था लॉर्ड, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसकी नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।